नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ चंद्रयान 3 के बारे में। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है इस विषय पे मूवी बननी चाहिए कि नहीं? मुझे तो लगता है कि चंद्रयान 3 पर मूवी बनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस टाइप पर मूवी बनेगी तो यकीन मानिए हमारे देश के बच्चे और नौजवानों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जो इस टाइप पर मूवी बन रही हो। इससे पहले भी देखा जाए, अक्षय कुमार मिशन मंगल पर मूवी बना चुके हैं और वो मूवी काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट भी गई थी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि चंद्रयान 3 पर भी भविष्य में मूवी बन सकती है। वैसे दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर जो भी एक्टर मूवी बनाएगा तो यकीन मानिए उसके जीवन में एक बहुत ही बेहतरीन मूवी जुड़ जाएगी। वैसे आपके हिसाब से कौन सा ऐसा एक्टर है जो चंद्रयान 3 पर मूवी बनाए और साइंटिस्ट के रोल पे बिल्कुल परफेक्ट बैठे? वैसे अक्षय कुमार तो ये एक बार कारनामा कर चुके हैं और देखा जाए वो दोबारा फिर से ये कारनामा कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर मैं अदर एक्टरों की बात करूं तो अदर एक्टर में अजय देवगन भी देखा जाए, वो भी काफ़ी इमोशनल रोल करने में उन्होंने महारत हासिल कर रखी है। और देखा जाए दोस्तों, अगर उनको इस टाइप की मूवी बनाने का मौका मिले या इस टाइप की मूवी पे काम करने का मौका मिले तो वो भी बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग कर सकते हैं। और वहीं इस कड़ी में अभिषेक बच्चन भी आते हैं, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से घूमर मूवी में अभिषेक बच्चन की एक्टिंग हम लोगों को देखने को मिली है, उन्होंने जैसे मानो सबको रुला दिया था। ऐसे में अगर चंद्रयान 3 मूवी बनती है और वो भविष्य में काम करते हैं तो उनके जीवन में एक काफ़ी तगड़ी ब्लॉकबस्टर हिट मूवी जुड़ सकती है और शायद आने वाले समय में ये मूवी उनको अवार्ड भी दिला दे। वैसे देखा जाए बॉलीवुड में एक्टर बहुत से हैं, जैसे कि आप ऋतिक रोशन को भी ले सकते हैं, और देखा जाए दोस्तों आप देखा जाए विक्की कौशल को भी ले सकते हैं। वैसे आपके हिसाब से कौन सा ऐसा एक्टर हो सकता है जो साइंटिस्ट के रोल में बिल्कुल परफेक्ट बैठे, कमेंट में ज़रूर बताएगा। और वहीं दोस्तों, अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो जगन शक्ति ने मिशन मंगल डायरेक्ट किया था, तो आपको क्या लगता है जगन शक्ति को ही चंद्रयान 3 डायरेक्ट करना चाहिए? वैसे इंडिया में डायरेक्टरों की कमी नहीं है। इस मामले में सबसे ऊपर आते हैं राजकुमार हिरानी, क्योंकि राजकुमार हिरानी की बात करें वो अपनी लाइफ में जितनी भी मूवी बनाते हैं वो मूवी लोगों को कुछ ना कुछ सिखाती हैं और बहुत सा ज्ञान भी दे करके जाती हैं। तो ऐसे में राजकुमार हिरानी अगर इस टॉपिक को लेकर के मूवी बनाए तो यकीन मानिए वो मूवी बहुत बड़ा रिकॉर्ड स्थापित कर सकती है। वैसे दोस्तों, संजय लीला भंसाली भी हैं और देखा जाए SS राजा मौली भी हैं। वैसे आपके हिसाब से इस टाइप की मूवी कौन सा डायरेक्टर डायरेक्ट कर सकता है और इस टाइप की मूवी कौन सा एक्टर बिल्कुल परफेक्ट एक्टिंग कर सकता है? सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों चंद्रयान 3 जो टॉपिक होगा वो कोई छोटा मोटा नहीं होगा। ऐसे में मैं चाहता हूँ जब चंद्रयान 3 अगर भविष्य में बने तो उसमें बेहतरीन एक्टर और बेहतरीन डायरेक्टर होना चाहिए। इन सब बातों को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।